कन्नौज में स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अपने विभाग के कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी साहब ने अपने सभी अधीनस्थों को स्वच्छता के पहले शपथ दिलाई, फिर शपथ के बाद जमकर क्लास ली। उन्होंने अपने अधीनस्थों को कड़े शब्दों में कहा कि विभाग के अंदर संबंधित अधिकारियों के दफ्तर में अगर उनके निरीक्षण के दौरान गंदगी मिली तो उस दफ्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी कर्मी से एक हफ्ते तक सफाई कराई जाएगी और अगर कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। विकास भवन में भी अधिकारियों ने अपने दफ्तर के बाहर दरवाजे पर नोटिस लगा दी, यदि कोई कर्मी व आम व्यक्ति धूम्रपान व गंदगी फैलाते हुए पाया गया तो उस पर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहले तो मैं भूमि सुरक्षा अधिकारी कन्नौज माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा ये स्वच्छता अभियान का सराहनीय कदम उठाया गया, जिसके लिए हम समस्त चाहे अधिकारी हों या कर्मचारीगण हों सभी ने एक जोर शोर से इसके तरफ कदम उठाया है। हमने अपने कार्यालय में भूमि सुरक्षा विभाग में जो कन्नौज में है 500 रुपये का जुर्माना रखा है। अगर किसी के डस्टबिन में सभी के टेबल के पास डस्टबिन रहेगी, अगर किसी में गंदगी पाई जाती है तो उस कर्मचारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी और 500 रुपये का जुर्माना उसे लिया जाएगा। यह हमने सर्वसम्मत से अपने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों की बैठक करके निर्धारित किया है। इसके साथ ही साथ हमने एक 25 रुपये पर मंथ प्रत्येक कर्मचारी से स्वच्छता के लिए धनराशि एकत्र करने का एक बैठक करके प्रस्ताव पास किया है। वह धनराशि अकाउंट में अपने सीनियर कर्मचारी के नाम से खाता खुलवा के रखी जाएगी और प्रत्येक मंथ पुनः अच्छी तरीके से सफाई उस पैसे से कराई जाएगी और उसका निर्माण कर लिया गया है। पान मसाला खाने के लिए तो पहली बात तो हमने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश कर दिया कि कोई भी अगर कर्मचारी कार्यालय में पान मसाला खाते हुए पाया जाता है तो भी वह दंडनीय होगा, यानी जो जुर्माना निर्धारित किया गया है उस पर वह जुर्माना लगाया जाएगा कार्यालय में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस कदम को स्वच्छता अभियान को और तेजी से अपनाए जाने के लिए जो कार्य किया है निश्चित रूप से सराहनीय है और हम लोग और भी ज़्यादा इस स्वच्छता अभियान पर कार्य करेंगे। पूरे जिले में यह कार्य चल रहा है लेकिन हम सभी कर्मचारी हैं, अभी तक तो आते थे तो हो सकता है दूसरे के सफाई पर ध्यान रखते थे, सभी लोग अपने आकर के टेबल चेयर अपने कार्यालय की स्वतः सफाई करते हैं। आप कभी भी आकर के सुबह देख सकते हैं 10 बजने से पहले जो भी हमारे स्टाफ आते हैं अपनी टेबल, मैं भी अपनी टेबल प्रत्येक दिन आकर के अपनी सफाई करूंगा भले ही सफाई का कार्य कोई और करता हो। स्वच्छता अभियान जो काफी पहले से चल रहा है और ये वक्त है जो इसको दिल दिमाग से और आगे बढ़ाना है और इसमें सरकार के तरफ से और स्पेशल एम्फसिस दिया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई ठीक ठाक रहें, कहीं पे भी सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ऑफिस आवर्स में पान गुटखा जैसे पदार्थ को काट के ये अपने ऑफिस के अंदर ही थूकना, ऑफिस के प्रीमिसेस में थूकना, फरियादी जो यहाँ मिलने आ रहे हैं उनको थूकने देना, ये सब मना है। पहले तो अपने ऑफिस का जो प्रभारी होगा, जैसे हमारे यहाँ जो सेक्शन है बड़े बाबू सेक्शन में स्वच्छता की जिम्मेदारी बड़े बाबू को, रीडर ऑफिस में स्वच्छता की जिम्मेदारी रीडर को, डीसीआरबी में डीसीआरबी प्रभारी का जिम्मेदारी है और समन सेल में समन सेल की जो सबसे सीनियर मोस्ट कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारी है, महिला सेल में उनकी प्रभारी है, यानी हर सेक्शन में जो सेक्शन प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। कहीं आज के बाद निरीक्षण में मुझे ये लगा कि अभी रिसेंटली ये गंदगी की है और किसी ने किया है या करने पर रोका नहीं गया है या पब्लिक को किए जो कर रहा है उसको रोका नहीं ठोका नहीं, तो फिर सेक्शन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होगा और जो सबसे साफ सुथरा जो सेक्शन पाया जाएगा वो सेक्शन प्रभारी को ही इनाम भी मिलेगा।